हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोस। दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आया और अभी हाल ही में फिल्म का एक नया गाना रिलीज हुआ है। गाने का नाम है तेरा साथ हूं मैं। ये सॉन्ग काफी इमोशनल है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वहीं देखा जाए तो आजकल अक्षय कुमार काफी चर्चा में है, दो वजह से। एक तो उनकी नई फिल्म आ रही है और दूसरी जो उनकी फिल्म फ्लॉप हुई है। अभी हाल ही में अक्षय कुमार से एक सवाल पूछा गया जो कि बहुत ही लाजमी है। सवाल था कि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन के क्लैश होने का। दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को रिलीज हो रही हैं। लेकिन इस बार अक्षय ने इस क्लैश पर अपनी राय देने से पहले एक उम्मीद जताई। उनका कहना था कि मैं उम्मीद करता हूं कि आमिर और मेरी फिल्में फिर से इतिहास दोहराएंगी। मेरी और आमिर की फिल्में पहले भी एक बार क्लैश हुई थी, वेलकम और तारे जमीन पर। दोनों ही फिल्मों ने अच्छा कलेक्शन किया था और इस बार भी वैसा ही होगा। क्लैश पर बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा था कि ये 7 दिन कमाई के लिए बेहद खास है। बीच में 3-4 दिन छुट्टियां भी हैं, ऐसे में 2 फिल्में आराम से कमाई कर सकती हैं, इसीलिए क्लैश में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी कोरोना में लोग 2 और 2.5 साल से घर पर बैठे हुए हैं, उन्हें अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी। और जब 2-2.5 साल से फिल्में अटकी हुई हैं, तो अब ये तो होगा ही कि 1 हफ्ते में 2-2 फिल्में रिलीज होंगी। गौरतलब है कि अक्षय कुमार की अगली फिल्म राम सेतु दिवाली पर रिलीज हो रही है और ये फिल्म अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म थैंक गॉड से क्लैश करेगी। लेकिन दिवाली का वीकेंड भी लंबा समय होता है और फिल्मों की कमाई के लिए लिहाजा काफी बढ़िया वीकेंड भी। वहीं देखा जाए दोस्तों तो इससे पहले 2021 में दिवाली के मौके पर ही अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ सिनेमा में दर्शकों को कोरोना के बाद वापस खींचा था, वो भी रोहित शेट्टी की फिल्म से। लेकिन फिलहाल लोगों की नजर टिकी है इन दोनों फिल्मों पर, रक्षाबंधन पर और लाल सिंह चड्ढा पर। एक तरफ है रक्षाबंधन जिसमें फ्रेश कंटेंट है और फिल्म की कहानी बहुत ही अलग है, दूसरी तरफ लाल सिंह चड्ढा जो कि हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है। अब देखना है लोग क्या चुनते हैं, फ्रेश कंटेंट या फिर वही रीमेक। आपकी पहली पसंद क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राउड स्टूडियोज़।